आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अनीता जी जो है अपने ग्रास रूट्स और एंड कलेक्शन से मुझे, मैं टोरंटो और वेनिस जा रही हूँ अपने कई सारी फिल्मों के साथ, तो वो मेरी स्टाइलिंग कर रही हैं। मेरी एक फिल्म पार्च्ड जो है वो स्पेशल प्रेजेंटेशन में है टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में, दूसरी फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेसेस जिसके बारे में अभी काफ़ी मीडिया में चर्चा हो रहा है, और वेनिस में आइलैंड सिटी करके एक फिल्म है, और तीनों फिल्मों के लिए वो हमारी स्टाइलिंग कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो ग्रास रूट्स कलेक्शन ही देखने आई हूँ, और उनका जो एंड कलेक्शन है वहाँ से वो कुछ चीज़ें मुझे स्टाइलिंग के लिए दे रही हैं, तो मैं आभारी हूँ अनीता जी की कि वो चीज़ अग्रीड टू स्टाइल मी फॉर ऑल दीज इवेंट्स। मुझे लगता है स्टाइल ना पर्सनल चीज़ होती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप अच्छे दिखते हो वही स्टाइलिश होती है। मैं कोई ट्रेंड्स ऐसे फॉलो नहीं करती हूँ, और अनीता जी के साथ इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे बॉडी टाइप और मेरे पर्सनालिटी को समझ के मुझे स्टाइल करती हैं जी। बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो मेरे बॉडी टाइप को, मेरे पर्सनालिटी को, मेरी फिल्मों को समझ के मुझे स्टाइल कर रही हैं जी। पार्च्ड जो अजय देवगन जी ने प्रोड्यूस किया है वो हिंदी फिल्म है, और एंग्री इंडियन गॉडेसेस पैन नलिन की फिल्म, जिस इन दोनों फिल्म को लेकर मैं टोरंटो जा रही हूँ, दोनों ही हिंदी फिल्म हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म अन इंडियन किया है मैंने ब्रेट ली के साथ, वो भी अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है, तो काफ़ी सारे रिलीजेज़ आने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।